कहते हैं कि असली हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है या फिर बादशाह को, पर कुछ हीरे न तो जौहरी परख सकता है और न ही आप, क्योंकि ये कोई खान से नहीं बल्कि चीन या यूरोप में किसी प्रयोगशाला में बनाए गए हीरे होते हैं। हालांकि कृत्रिम हीरे कोई नया आविष्कार नहीं है, पर असली हीरे की चमक के बीच वही रूप, वही रंग, वही चमक, लेकिन इन कृत्रिम हीरे की कीमत असली से कई गुना कम होती है। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं असली हीरे की, जो हीरे की खानों से निकाले जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता के प्रतीक रहे हैं। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का केंद्र भी रहा है। भारत हर साल 29 अरब डॉलर से ज़्यादा के हीरे निर्यात करता है। भारत में अनगढ़ हीरे दक्षिण अफ्रीका, साइबेरिया और पूर्वी कनाडा की खदानों से पॉलिश के लिए आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की विंध्या रेंज में लगभग 240 किलोमीटर के अंदर हीरे की खदानें हैं। इन्हें पन्ना की खदानों के नाम से भी जाना जाता है। यहां हीरे की खुदाई के लिए 1968 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। NMDC पन्ना जिले के मझगाँव में हीरे की खदानों का संचालन करती है और अब तक कई नायाब हीरे दे चुकी है। कहा जाता है कि यहाँ से निकाला हीरा साउथ अफ्रीका की खदानों से भी अच्छा होता है। यह चमकदार होता है और काटने में इसमें वेस्टेज कम होता है। NMDC की माने तो ये खदान साल भर में करीब 80,000 कैरेट हीरा उत्पादन कर सकती है। पन्ना में ज़्यादातर हीरे ऐसी खदानों से निकलते हैं जो ज़्यादा गहरी नहीं होती है। ज़मीन से 2-3 फीट नीचे ही काफ़ी बड़े हीरे निकलने लगते हैं। लोग जिला प्रशासन से मामूली वार्षिक शुल्क देकर खदान का पट्टा लेकर अपनी किस्मत यहां आजमाते हैं। यदि कोई हीरा मिल जाता है तो उसे जमा कराना पड़ता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरों की खदानों के लिए बड़ा फेमस है। इन खदानों ने कईयों को लखपति करोड़पति बनाया है। लॉकडाउन में जहाँ हर काम बंद है या मंदा है, ऐसे में गरीब मजदूरों के सामने भी संकट है। संकट के इस दौर में भी अभी अभी यहाँ रहने वाले पप्पू यादव नाम के एक आदमी भी लखपति बन गए हैं। पेशे से किसान हैं, लेकिन हीरे की खुदाई करते रहते थे। 20 जुलाई की शाम उनकी मेहनत रंग लाई है। करीब 50 लाख रुपये की कीमत वाला 10.69 कैरेट का हीरा उनके हाथ लगा है, वो भी जेम क्वालिटी का। हालांकि जो भी पैसा पप्पू को मिलेगा वो उन्हें अपने 8 साथियों के बीच बांटना होगा, क्योंकि इन साथियों के साथ मिलकर ही उन्होंने हीरा खोजा है। खैर, अब पप्पू की खबर सामने आई है तो लोगों ने कहा कि क्या वाकई पैसे पप्पू को मिलेंगे? मिलेंगे तो कब? और पप्पू ने खदान का जुगाड़ कैसे कर लिया? और ये जेम क्वालिटी क्या होती है? इन सभी सवालों का जवाब शायद आप भी जानना चाहते हों, तो आइए जानते हैं। दरअसल पन्ना में 2 तरह की हीरा खदानें हैं, एक गहरी और दूसरी उथली। जहाँ पर भारत का कोई भी नागरिक पन्ना की उथली हीरा खदानों में खुदाई कर सकता है। बात करें गहरी खदानों की तो यहाँ कई फीट तक खुदाई की जा सकती है। रास्ते में कोई चट्टान जैसी अड़चन नहीं आती। अक्सर ऐसी खदानों में कोई बड़ी कंपनी सरकार से लाइसेंस लेकर खुदाई करती है। वहीं उथली खदानों में ऐसी ज़मीन में खुदाई करना जो आपको 10 से 12 फीट के नीचे जाने ही नहीं देती, यानी करीब 12 फीट के बाद पत्थर या चट्टान मिल जाते हैं जिनके आगे खोदना नामुमकिन होता है। ऐसी खदानें कोई भी व्यक्ति सरकार से लीज पर कुछ समय के लिए हासिल कर सकता है। उथली खदान पाने की प्रोसेस क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग है, खनिज संसाधन विभाग। ये राज्य में खनिज से जुड़े कामकाज देखता है। इसके तहत आता है पन्ना का हीरा कार्यालय। इसी कार्यालय से शुरुआत होती है उथली खदानों को पट्टे पर देने की। लोग ये जानते हैं कि पन्ना के किन हिस्सों में उन्हें हीरा मिल सकता है। वो एक ज़मीन के एक छोटे हिस्से को चुनते हैं, करीब 8 फीट × 8 फीट के हिस्से को, और फिर हीरा कार्यालय में आवेदन देते हैं महज 200 रुपये के चालान के साथ। आवेदन देने का मतलब ही यही है कि वो सरकार से उस ज़मीन पर हीरे की खुदाई करने की परमिशन लेना चाहते हैं। कार्यालय को अगर आवेदन ठीक ठाक लगता है तो 1 साल के लिए वो ज़मीन पट्टे पर उसे दे दी जाती है। इसके बाद जिसे वो ज़मीन मिली है उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे खुदाई करेगा। वो चाहे तो खुद करे या कुछ मजदूर लगवाए, ये फैसला पूरी तरह उस व्यक्ति के हाथ में है। अब यहाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हीरा मिल ही जाए।
कई बार कई लोग निराश भी हुए हैं, कई बार खुश भी हुए हैं। सामान्य तौर पर 8-10 फुट तक जमीन खोदने के बाद मिट्टी के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वाली लेयर आती है, इसे चाल कहते हैं। इन्हीं कंकड़ पत्थरों में ही कहीं हीरा छिपा होता है। मिट्टी निकालकर उसे धोना पड़ता है, फिर जैसे गेहूं को बीना जाता है वैसे ही उस पूरी चाल को फैलाकर बीना जाता है। अगर उसमें हीरा होता है तो वो अपनी चमक की वजह से अलग से पहचान में आ जाता है। खदान के पास ही गड्ढा बनवाया जाता है 3x3 या 4x4 का, उसी में पानी भरकर मिट्टी डालकर उसे छाना जाता है। ऐसा करके मिट्टी से कंकड़ को अलग करते हैं, फिर कंकड़ को जमीन में फैलाते हैं। जमीन में करीब 1 घंटे बाद पानी सूख जाता है, फिर उसे बीना जाता है। अगर हीरा होगा उसमें तो अपनी चमक की वजह से दिख जाएगा। हीरा मिलने के बाद फिर हीरा कार्यालय जाना होता है उस चमकदार हीरे को लेकर। अधिकारी और हीरे के पारखी लोग उसे देखते हैं, उसका रंग, साइज, आकार और वजन के हिसाब से उसकी क्वालिटी तय की जाती है। हर 3 महीने में हीरा कार्यालय में इकट्ठे हुए हीरों की नीलामी होती है। सूरत, मुंबई, दिल्ली और पन्ना के भी कई व्यापारी इसमें शामिल होते हैं। नीलामी के लिए मौजूद सभी हीरों को देखते हैं, फिर एक एक कर बोली लगाते हैं। जिस हीरे पर जो व्यापारी सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो उसे पा लेता है। प्रोसेस ये है कि नीलामी में जो व्यापारी हीरा खरीदता है उसे 24 घंटे से लेकर 2 दिन के अंदर करीब 20% रकम हीरा कार्यालय में जमा करानी होती है, फिर 1 महीने के अंदर बाकी 80% रकम देनी होती है। जब व्यापारी ये पैसे दे देता है तो इसमें से 88% पैसा हीरा खोजने वाले को मिलता है, 12% पैसा रॉयल्टी और टैक्स के तौर पर काटा जाता है। ज़्यादातर हीरे का रंग, आकार देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि किस तरह के गहने में उसका इस्तेमाल हो सकता है। कार्यालय में हीरा पारखी होता है, वो क्वालिटी के बारे में बताता है। रंग की बात करें तो अगर किसी हीरे का रंग एकदम सफ़ेद है तो उसे जेम क्वालिटी का हीरा कहते हैं। ब्राउन, पीला, काला, इन रंग के हीरे भी मिलते हैं। डार्क पीले रंग का मिलना काफ़ी सामान्य है, सबसे महंगा जेम क्वालिटी का हीरा होता है। आकार की बात करें तो अगर कोई काटने वाला हीरा हो तो उसकी कीमत कम होती है, गोल हो तो सबसे ज़्यादा होती है। थोड़ा फैंसी जैसे चपटा या लंबा हो तो उसका पैसा भी कम मिलता है। अगर कोई हीरा बनने के बाद 1 कैरेट आता है तो उसका अच्छा पैसा मिलता है, अगर 1 कैरेट से अंदर आए तो पैसा कम मिलता है। जाहिर सी बात है कि जितना साइज मिले उतना पैसा बढ़ता है। आखिरी में पन्ना के बारे में एक और बात, पन्ना में वहाँ पर रहने वाले हीरे की खुदाई को एक काम की तरह देखते हैं। कई लोग जो खेती करते हैं वक्त निकालकर हीरे के लिए ज़मीन की खुदाई भी करते रहते हैं। गांव-गांव में इस तरह के लोग खुदाई करते देखे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप हीरे की खदानों के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। यूँ तो हीरा अनमोल है, लेकिन अगर आप हीरे से भी अनमोल किसी को मानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और रोचक जानकारियों से भरपूर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।